नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को 13वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें सभी ब्रिक्स देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री ने इसमें संसाधनों के साझा इस्तेमाल पर जोर दिया, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही। समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिकी सेनाओं के हटने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के अफगानिस्तान से जाने की वजह से ये नया संकट खड़ा हुआ है। अभी भी ये साफ नहीं है कि इससे रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि ब्रिक्स देशों ने इस पर फोकस किया है। ओडिशा सरकार द्वारा कथित खनन अनियमितताओं पर चर्चा नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों की गैर मौजूदगी में मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एसएन पात्रो ने आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर करने और जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित करने के बाद सदन को स्थगित कर दिया। विपक्ष के मुख्य सचेतक मोहन मांझी ने खनन अमिताओं के आरोपों पर चर्चा करने से इनकार करने के लिए ओडिशा सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल की कठपुतली बन गए हैं। मांझी ने आरोप लगाया, सरकार भंडाफोड़ होने के डर से इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असुद्दीन ओवैसी पर यूपी के बाराबंकी जिले में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि ओवैसी ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी अभद्र बयानबाजी करने का आरोप है। दरियाबाद सीट से भाजपा विधायक सतीश शर्मा ने भावनाएं आहत करने की शिकायत की थी। इसके बाद ओवैसी पर नगर कोतवाली में सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरीश शंकर साहू की तहरीर पर बिना अनुमति जनसभा करने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धारा 144 और महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। सभा में 50 लोगों की परमिशन के बावजूद भारी जनसमूह को इकट्ठा किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन आगामी चुनावी अभियानों और कार्यक्रमों पर गहन मंथन शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी के सलाहकार और रणनीति कमेटी ने पूरे यूपी में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। हम वचन निभाएंगे नाम से यात्रा होगी और ये यात्रा 12,000 किलोमीटर चलेगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा बड़े गाँव और कस्बों से होकर गुजरेगी। प्रियंका गांधी यात्रा के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर रही हैं। प्रियंका गांधी का ये दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे में वो पार्टी के लिए चुनाव के लिहाज से आगे की रणनीति व अभियान की रूपरेखा पर गहन मंथन करेंगी, साथ ही संगठन की समीक्षा व प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा करेंगी। 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया, साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए आलोचना की। बैठक में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के साथ ही अन्य नेता भी शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को माँ वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। कटरा से भवन तक वे पैदल ही गए। शाम की आरती में शामिल होने के बाद वे रात को ही जम्मू आ गए थे। दर्शन के बाद भवन से अर्धकुमारी तक बैटरी कार से आए राहुल ने शेष रास्ता पैदल ही तय किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इस बार विपक्ष पर निशाना साधने को लेकर नहीं बल्कि नोट बांटने को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने हाथ से महिलाओं को 500 रुपए बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव गुरुवार को गोपालगंज दौरे पर थे। समर्थकों ने रास्ते भर उनका जमकर स्वागत किया। उन्होंने रास्ते में कुछ महिलाओं को 500 रुपए के नोट बांटे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो राजद ने अपने आधिकारिक पेज पर भी पोस्ट किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 सितंबर को प्रयागराज आने वाले हैं। 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति का ये तीसरा यूपी का दौरा होगा। कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति का ये गृह प्रदेश भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोचेरी रामन नारायणन के बाद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति भी हैं। राजनीतिक विश्लेषक यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति के अपने गृह प्रदेश की इन यात्राओं को प्रासंगिक बता रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार सुबह धनबाद पहुंचे। वे 10, 11 और 12 सितंबर तक धनबाद में रहेंगे।
यहाँ पर राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड प्रांत के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के संगठन के साथ ही बिहार के बड़े पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता भाग लेंगे। उनके साथ संघ प्रमुख संगठन पर विचार विमर्श करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर स्वयंसेवकों में काफी उत्साह दिख रहा है। संघ प्रमुख से मिलने के बाद झारखंड भाजपा के बड़े नेता भी धनबाद आ सकते हैं। मुंबई महानगर और अन्य शहरों में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं ने अपने घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश का स्वागत किया। घर घर बप्पा विराजमान हुए। हालांकि कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बीच इस साल भी लोग बप्पा के दर्शन ऑनलाइन ही कर पाएंगे। वैश्विक महामारी के कारण लगातार दूसरी बार गणेश उत्सव का जश्न फीका रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सभाओं और जुलूस से बचने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने वैश्विक महामारी के कारण गणेश उत्सव के दौरान लोगों के पंडाल में जाने पर रोक लगाई है और कहा है कि पंडाल से केवल ऑनलाइन दर्शन की अनुमति दी जाएगी। भारत आज अपने पहले सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव को लॉन्च करने जा रहा है। इस जहाज का वजन 10,000 टन होगा। इस जहाज को भारतीय नौसेना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अधिकारियों की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कमीशन किया जाएगा। बता दें कि इस जहाज के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद हिंद और प्रशांत महासागर में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।